नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका इंडिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। कल की अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की क्लास में हमने संयुक्त राष्ट्र की बारे में बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त की थी और मैंने पूरा बेसिक उसका आपको बताया था। आज उस पार्ट के आगे हम चलते हैं और मैं उसके इंपॉर्टेंट अंग जो है संयुक्त राष्ट्र की बेसिक जानकारी, उसके प्रतीक चिन्ह, उसके फ्लैग, उसकी स्थापना कैसे हुई, कौन से संस्थापक देश थे, भारत में भारत की ओर से किसने प्रतिनिधित्व किया, ये सब चीजें हम कर चुके हैं। आज की इस क्लास में हम संयुक्त राष्ट्र के जो अभिन्न अंग हैं, उन अभिन्न अंगों के बारे में जानने का पूरा प्रयास करेंगे। तो संयुक्त राष्ट्र के जो अभिन्न अंग है वो अभिन्न अंग 6 है। संयुक्त राष्ट्र की अभिन्न अंग 6 है जिसका उल्लेख जो है इसके चार्टर में किया गया है। और ये जो अभिन्न अंग है, अगर हम एक ग्राफ के माध्यम से देखें, तो पहला और सबसे इंपॉर्टेंट जो है नंबर 1 संयुक्त राष्ट्र महासभा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा, इसको इंग्लिश में कहते हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, संयुक्त राष्ट्र महासभा। दूसरा जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, इसको हम कहते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। तीसरा जो है उसको हम कहते हैं आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, इसको कहते हैं इकोसॉक, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ऑफ यूनाइटेड नेशन, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद ये तीसरा। चौथा जो है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट फॉर जस्टिस, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। और एक आपका होगा सचिवालय, सेक्रेटरीट, जो इसके डे टू डे की वर्क को संभालता है उसको हम कहेंगे सचिवालय, सेक्रेटरीट, सचिवालय। उसके बाद में छठा जो है वो है न्यासिता परिषद, न्यासिता परिषद। थोड़ा सा हम इसके नामों को इंग्लिश में भी देख लें ताकि अगर किसी प्रकार की शॉर्ट फॉर्म आए तो हमें दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र महासभा, इसको हम कहते हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, UNGA, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। एक यूएनएससी, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, इसको कहेंगे इकोसॉक, ये जो है कहलाएगा इकोसॉक। एक है आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट फॉर जस्टिस, आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट फॉर जस्टिस, सचिवालय, इसको हम कहेंगे सेक्रेटरीट। और एक जो है न्यासिता परिषद, ट्रस्टीशिप काउंसिल, ये जो कहलाएगा, ये कहलाएगा ट्रस्टीशिप काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, न्यासिता परिषद। ये पार्ट आपको याद रखने हैं कि सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र के अभिन्न अंग कौन से हैं, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कैसे हुई, किस प्रकार से बना, कौन से सम्मेलन थे। इसके लिए आप हमारा इससे पहले वाला वीडियो जरूर देखें, वो देखे बिना आपको ये वीडियो समझ में नहीं आएगा, तो उसको देखने का आप जरूर प्रयास करें। तो अब हम एक एक अंग के बारे में लेते हैं कि आपके यूपीएससी प्री पॉइंट से और किसी भी एग्जाम के प्री के पॉइंट से कैसे प्रश्न बन सकते हैं, उसको हम देखेंगे यहां पर। अब इन अंगों में सबसे पहले मैंने लिया संयुक्त राष्ट्र महासभा, संयुक्त राष्ट्र महासभा सबसे पहले हमने लिया, संयुक्त राष्ट्र महासभा, संयुक्त राष्ट्र महासभा जिसको कहते हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, संयुक्त राष्ट्र महासभा, संयुक्त राष्ट्र महासभा। और यहां से आपकी प्रश्न क्या क्या बन सकते हैं उसको हम एक एक को प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से आपके क्वेश्चन यहां पे बन सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने जो लिया है संयुक्त राष्ट्र महासभा, बेसिक पॉइंट ध्यान रखना, संयुक्त राष्ट्र महासभा वो सभा है जिसमें संयुक्त राष्ट्र के सभी, जैसे आज की तारीख में संयुक्त राष्ट्र के 193 मेंबर्स हैं, तो सभी सभी
यूएन सदस्य, सभी यूएन सदस्यों की प्रतिनिधि इसमें शामिल होते हैं, इसमें शामिल होते हैं। मतलब कि संयुक्त राष्ट्र की एकमात्र ऐसा अंग है जिसमें सभी सदस्य देशों को प्रेजेंटेशन दिया गया है। जैसे अगर छोटा सा देश नोरू है, छोटा सा देश फिजी है, छोटा सा देश मालदीव है, तो उसको भी वहां पर रिप्रेजेंटेशन है। और यदि बहुत बड़ा देश अमेरिका भी है, चाइना भी है, ब्राजील भी है, साउथ अफ्रीका है, तो उसको भी वहां प्रेजेंटेशन है। मतलब संयुक्त राष्ट्र महासभा एक ऐसी महासभा है, ऐसी असेंबली है जिसमें यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र के प्रत्येक सदस्य राष्ट्र को यहां पर प्रतिनिधित्व दिया गया है, रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। इससे सभी यूएन सदस्यों के प्रतिनिधि इसमें शामिल किए जाते हैं। तो ये पहला पॉइंट है जो आपको याद रखना है, पहला पॉइंट। अब चूंकि प्रत्येक देश का रिप्रेजेंटेटिव इसमें शामिल होता है, इसलिए कहते हैं, क्वेश्चन बनता है कि विश्व की लघु संसद किसे कहते हैं। इसी को हम इंग्लिश में कहेंगे मिनी पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड। विश्व की लघु संसद किसको कहा जाता है, तो आपका उत्तर होगा संयुक्त राष्ट्र महासभा को, जिसमें संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधि इसमें शामिल होते हैं। और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र में कितने देश अभी हैं, तो 193 है, तो उन सभी 193 देशों के रिप्रेजेंटेटिव इसमें शामिल होते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा जिसे विश्व की लघु संसद भी कहा जाता है, ये कहां पर है, तो उत्तर होगा न्यूयॉर्क के अंदर। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोरोना वायरस के कारण न्यूयॉर्क अमेरिका में एक बहुत बड़ा चर्चा का केंद्र बना हुआ है, इसलिए भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। इसी प्रकार से यहां पर ध्यान रखना कि प्रत्येक सदस्य राष्ट्र जो है, जो भी यूएन का मेंबर है, प्रत्येक सदस्य राष्ट्र, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे यूएन मेंबर जो है, प्रत्येक यूएन मेंबर को इसमें 5 प्रतिनिधि भेजने का अधिकार होता है। प्रत्येक देश यूएन महासभा में 5 रिप्रेजेंटेटिव अपने भेजता है, 5 प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है, 5 प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है। परंतु चाहे 5 भेजें, जो वोटिंग है, परंतु वोटिंग वैल्यू जो है वो एक ही होगी, वोटिंग वैल्यू एक है। जैसे अगर भारत के 5 रिप्रेजेंटेटिव संयुक्त राष्ट्र में, लेकिन भारत का वोट महासभा में कितना होगा, 1 होगा। यहां पर ये ध्यान रखना। और लगभग हर देश के रिप्रेजेंटेटिव इसमें होते हैं। हर साल या मैं कह सकता हूं प्रतिवर्ष सितंबर में महासभा का सम्मेलन होता है। प्रतिवर्ष सितंबर में महासभा का सम्मेलन होता है, यह भी आप ध्यान रखिए। बिल्कुल बेसिक पॉइंट्स है जो मैं आपको एकदम धीरे धीरे समझाने का प्रयास कर रहा हूं। कई बुक्स में यह भी लिखा हुआ है कि प्रतिवर्ष सितंबर के तीसरे मंगलवार, थर्ड ट्यूसडे ऑफ मंथ ऑफ सितंबर, सितंबर महीने के तीसरे मंगलवार को सामान्यतः संयुक्त राष्ट्र महासभा का सम्मेलन शुरू होता है। तो यह भी ध्यान रखना, ये एग्जैक्टली इसको फॉलो करना जरूर नहीं है। तीसरे मंगलवार को किस महीने में, तो उत्तर होगा आपका सितंबर महीने में। फिर और इससे डेप्थ में अगर क्वेश्चन जाए, तो ये क्वेश्चन अब पूछा जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष कौन बनता है। तो ध्यान रखना, संयुक्त राष्ट्र महासभा प्रतिवर्ष जैसे ही महासभा का सम्मेलन शुरू होता है, उसी के साथ महासभा अपने 1 अध्यक्ष और 21 उपाध्यक्षों का चुनाव करती है। वो अपने बीच में से करती है, जो उसके 193 मेंबर है उसमें से किसी एक को अध्यक्ष और 21 उपाध्यक्ष को चुनाव करती है। तो यहां पर यह भी पॉइंट ध्यान रखें कि संयुक्त राष्ट्र महासभा प्रतिवर्ष जो है वो 1 अध्यक्ष का और उसके बाद 21 उपाध्यक्ष का चुनाव करती है।
एक अध्यक्ष और 21 उपाध्यक्ष का चुनाव भी इसमें किया जाता है। जैसे मान लीजिए सितंबर 2020 में एक अध्यक्ष और 21 उपाध्यक्षों का चुनाव होता है तो वे कब तक रहेंगे? नेक्स्ट सितंबर 2021 तक। फिर जैसे सितंबर 2021 के पहले दिन नए अध्यक्ष का और उपाध्यक्ष का चुनाव होगा, वो अध्यक्ष पहले वाला हट जाएगा। इस प्रकार प्रतिवर्ष किसी न किसी देश को इसकी अध्यक्षता दी जाती है और वो देश जो है अपने किसी रिप्रेजेंटेटिव को भेजकर उसे अपना अध्यक्ष बना देता है। तो ये भी ध्यान रखना, आप मुझे बताइए 2019-20 में, आप कमेंट करके बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वर्ष 2019-20 में किस व्यक्ति को संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष चुना गया था और वे किस देश के हैं, इस बात को आपको बताना है। तो ये पॉइंट आपको आना चाहिए। तो मैंने कुछ बेसिक पॉइंट बताए हैं जो आपको आना चाहिए। एक आप कहोगे कि सर संयुक्त राष्ट्र महासभा का सम्मेलन कितनी बार होता है? तो साल में एक बार सितंबर के तीसरे मंगलवार से इसका सम्मेलन शुरू होता है। लेकिन अगर सुरक्षा परिषद चाहे, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कहने पर या सुरक्षा परिषद की सलाह पर, सुरक्षा परिषद सलाह पर विशेष सत्र बुलाए जा सकते हैं, विशेष सत्र जो है वो बुलाए जा सकते हैं। और अगर भारत से जोड़ते हुए क्वेश्चन पूछे, इंडिया से टच करके जीके टाइम, तो अभी तक कौन सा व्यक्ति या महिला संयुक्त राष्ट्र महासभा की भारत की ओर से अध्यक्ष रह चुकी है? तो उत्तर होगा श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित। उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा विजयलक्ष्मी पंडित। विजयलक्ष्मी पंडित ये भारतीय है और ये बेसिकली 1953 में जो संयुक्त राष्ट्र का आठवां सत्र था उस आठवें सत्र की अध्यक्ष रह चुकी है। वापस रिपीट कर रहा हूं, भारत की श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित प्रथम महिला अध्यक्ष भी थी और ये संयुक्त राष्ट्र के आठवें सत्र की अध्यक्ष रह चुकी हैं। वापस रिपीट कर रहा हूं, नंबर वन विजयलक्ष्मी पंडित किस देश की? भारत की। वो संयुक्त राष्ट्र के आठवें सत्र जो कब था 1953 की अध्यक्ष रह चुकी है। और ध्यान रखना ये भी पूछे, विश्व की पहली महिला जो संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष बनी, तो उत्तर होगा विजयलक्ष्मी पंडित। यहां पर ये भी आप ध्यान रखें। तो ये बेसिक पॉइंट थे जिसको मैंने आपको बताने का प्रयास किया। सबसे पहले मैंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र महासभा संयुक्त राष्ट्र का सबसे इंपॉर्टेंट अंग है, सबसे महत्वपूर्ण अंग है, जिसमें संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य राष्ट्रों के प्रतिनिधि इसमें शामिल होते हैं। प्रत्येक देश को 5 प्रतिनिधि भेजने का अधिकार दिया जाता है, लेकिन हर देश की वोटिंग वैल्यू बराबर है और वो एक है। उसके बाद में संयुक्त राष्ट्र महासभा का सम्मेलन प्रतिवर्ष न्यूयॉर्क में सितंबर के तीसरे मंगलवार को होता है। जरूर नहीं तीसरे को ही हो, लेकिन सामान्यतः इसका प्रयास किया जाता है। उसके बाद में सुरक्षा परिषद की विशेष सलाह पर इसका सम्मेलन, विशेष सम्मेलन भी आयोजित किया जा सकता है। भारत की विजयलक्ष्मी पंडित 1953 में संयुक्त राष्ट्र के आठवें सत्र की अध्यक्ष रह चुकी है। और ध्यान रखना हर देश का रिप्रेजेंटेशन इसमें होता है, इसलिए इसे विश्व की लघु संसद भी कहा जाता है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं, कल हमने ये पूरी चर्चा की थी कि संयुक्त राष्ट्र के कितने सदस्य हैं, कौन सी भाषाएं हैं, कब इसको नोबेल पुरस्कार मिला था। वहां मैंने ये भी बताया था कि संयुक्त राष्ट्र में वर्तमान में 193 मेंबर है, जिसमें 192 मेंबर मॉन्टेनेग्रो है, जबकि 193 मेंबर दक्षिणी सूडान है, साउदर्न सूडान है। ये चीज आप ध्यान रखें। अब उसके बाद हम आगे बढ़े, संयुक्त राष्ट्र, ये था आपका संयुक्त राष्ट्र महासभा, संयुक्त राष्ट्र महासभा। तो ये तो मैंने वैसी चीजें बताई आपको जो महासभा से आपके प्रश्न बन सकते हैं। अब इसके अलावा आपकी महासभा से जो प्रश्न बनेंगे वो क्या और बन सकते हैं, तो उसमें एक क्वेश्चन आपके पास में होगा और वो होगा, वो आपका प्रश्न होगा संयुक्त राष्ट्र
महासभा की इसके कार्य क्या क्या है, या मैं इसको ऐसे कहूं द फंक्शंस ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, संयुक्त राष्ट्र महासभा की फंक्शंस क्या क्या है, कौन कौन से काम ये करती है महासभा। तो सबसे पहले इसके काम को देखें तो नंबर वन, कुछ पॉइंट्स हम ऐसे में आपको समझाने का प्रयास करूंगा तीन चार पॉइंट्स के अंदर। तो पहला काम है नंबर एक, ये संयुक्त राष्ट्र की, ये संयुक्त राष्ट्र की प्रमुख अंगों के सदस्यों का चुनाव करती है। ये संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंगों के सदस्यों का चुनाव करती है। आप कहेंगे सर ये तो समझ में नहीं आया, तो इसका मतलब होगा संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंग कौन से हैं। जैसे मैं एग्जांपल दूं, संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख अंग है आपके पास एक है यूएनएससी आपको दिखाई दे रहा होगा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी होते हैं और 10 अस्थायी होते हैं। तो जो 10 अस्थायी होते हैं उन 10 अस्थायी सदस्यों का चुनाव जो है वो बेसिकली कौन करती है, तो उत्तर होगा संयुक्त राष्ट्र महासभा। ध्यान रखना जैसे संयुक्त राष्ट्र का एक अभिन्न अंग है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, उसमें 5 स्थायी हैं, 5 स्थायी देश हैं और 10 अस्थायी देश हैं। उन 10 अस्थायी देशों का चुनाव कौन करती है, तो उत्तर होगा संयुक्त राष्ट्र महासभा। इसी प्रकार से एक है इकोसॉक और इकोसॉक में टोटल मेंबर होते हैं 54। तो 54 सदस्य जो है इसमें से 1/3 हर वर्ष रिटायर होते हैं, तो एक ये मतलब 18। तो इन 54 सदस्यों में से प्रतिवर्ष 18 का चुनाव कौन करती है, तो होगा उत्तर इन 18 का चुनाव भी प्रतिवर्ष जो है वो महासभा के द्वारा किया जाता है। जिसके पास महासभा में बहुमत होगा उसको चुना जाएगा। तो ये भी हुआ सबसे पहला काम और सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है कि संयुक्त राष्ट्र के जो अन्य अभिन्न अंग है जैसे सुरक्षा परिषद, उस सुरक्षा परिषद की 10 अस्थायी सदस्यों का चुनाव जो है वो बेसिकली संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा किया जाता है। दूसरा इकोसॉक जो है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, उसके टोटल 54 है, हर साल 18 चुने जाते हैं, उनका चुनाव कौन करती है, तो उत्तर होगा संयुक्त राष्ट्र महासभा। फिर हम आगे बढ़े, एक आपको पता होगा नंबर 2 हम यहां पे डाल दें, तो एक शब्द आएगा आपके पास अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट फॉर जस्टिस, इसको इंग्लिश में कहते हैं आईसीजे। ये जो आईसीजे है इस आईसीजे के जजों का चुनाव कौन करती है, तो उत्तर होगा संयुक्त राष्ट्र महासभा। लेकिन यहां पर ध्यान रखें कि महासभा उन्हीं जजों को चुनाव करती है जिनका नाम कौन भेजती है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। इसी प्रकार से तीसरा आपको पता होगा पूरे यूनाइटेड नेशन का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी जो है वो महासचिव होता है, तो हम कहेंगे संयुक्त राष्ट्र महासचिव का चुनाव यूनाइटेड नेशन जनरल सेक्रेटरी जो होता है उसका इलेक्शन भी संयुक्त राष्ट्र महासभा करती है, परंतु संयुक्त राष्ट्र महासभा उसी महासचिव को चुनेगी जिसका नाम सुरक्षा परिषद ने भेजा हो। बात को समझे आप लोग, जैसे मान लीजिए सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य टोटल, 5 स्थायी और 10 अस्थायी, वो सुरक्षा परिषद अगर 2 नामों को आगे भेजती है तो उन 2 में से किसी एक का चुनाव होगा, मतलब नाम रिकमेंडेशन करके कौन भेजती है, सुरक्षा परिषद, और फाइनली चुनाव कौन करती है, तो उत्तर होगा आपका संयुक्त राष्ट्र महासभा। इसके अलावा एक काम और देखना, चौथा संयुक्त राष्ट्र महासभा का
जितना बजट होता है उस बजट को स्वीकृति देना, बजट को स्वीकृति देना भी इसी का काम है, बजट को स्वीकृति देना। फिर उसके बाद में पांचवा, ऐसी नीतियों का निर्माण करना, ऐसी नीतियों का निर्माण करना ताकि अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा दिया जा सके। तो ये भी आप इसमें पॉइंट्स में ध्यान रखोगे, ये इसके इंपॉर्टेंट काम है जो मैंने आपको बताया है। एक काम आप और जोड़ सकते हो कि जैसे संयुक्त राष्ट्र के अंदर अभी 193 मेंबर है और 194वां मेंबर कोई बनना चाहता है, मान लीजिए कोसोवो जिसको अभी तक मान्यता नहीं मिली है, तो किसी नए सदस्य को, संगठन में प्रवेश जो है वो किस कौन करती है, तो होगा संयुक्त राष्ट्र महासभा। जैसे अभी यूनाइटेड नेशन जो है, संयुक्त राष्ट्र जो है, उस यूएन में टोटल मेंबर कितने हैं, 193 तो उसके मेंबर हैं और दो को पर्यवेक्षक राष्ट्र का दर्जा प्राप्त है। तो जो पर्यवेक्षक राष्ट्र है, जो है उसका दर्जा दो को प्राप्त है, 193 प्लस 2 होगा, जो प्लस 2 है उस प्लस 2 का मतलब ये पर्यवेक्षक राष्ट्र और ये पर्यवेक्षक राष्ट्र ऑब्जर्वर नेशन का दर्जा किसको प्राप्त है, तो एक तो वेटिकन सिटी को, और दूसरा फिलिस्तीन को। ध्यान रखना संयुक्त राष्ट्र में किन दो देशों को पर्यवेक्षक राष्ट्र का दर्जा प्राप्त है, तो उत्तर होगा वेटिकन सिटी एंड फिलिस्तीन। इसलिए कहते हैं कि संयुक्त राष्ट्र में कितने मेंबर हैं, 193 प्लस 2 तो फुल मेंबरशिप है और दो को ऑब्जर्वर नेशन का दर्जा प्राप्त है, वो दो जो है वेटिकन सिटी और फिलिस्तीन है। तो इस प्रकार दोस्तों आपको ये पॉइंट इस प्रकार से याद रहने चाहिए। जैसे रिपीट कर रहा हूं, पहले हमने पढ़ा बेसिक महासभा का, उसके बाद हम देख रहे हैं कि महासभा के कार्य क्या है, इंपोर्टेंट फंक्शंस क्या है। तो नंबर वन, संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न अंगों के सदस्यों का चुनाव करना, जैसे सुरक्षा परिषद के 10-23 सदस्यों का चुनाव, या फिर आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के प्रतिवर्ष 18 सदस्यों का चुनाव, या फिर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जजों का चुनाव, और सबसे बढ़कर जो संयुक्त राष्ट्र का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी है वो अधिकारी होता है महासचिव, जनरल सेक्रेटरी। उस जनरल सेक्रेटरी का चुनाव भी संयुक्त राष्ट्र महासभा करती है, परंतु महासभा केवल उन्हीं नामों से किसी नाम को सिलेक्ट करती है जिसकी सिफारिश किसने की हो, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने। उसके बाद भी और काम क्या है, संयुक्त राष्ट्र के बजट को स्वीकृति देना और ऐसी नीतियों का निर्माण करना जिससे दुनिया में शांति और सुरक्षा को बढ़ावा दिया जा सके। तो दोस्तों ये आपका पॉइंट जो था, ये आपका था महासभा के बारे में। तो महासभा के बारे में मैंने आपको डिटेल से चीजें बताने का प्रयास किया। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट अंग जो है और वो इंपॉर्टेंट अंग भी है, उसका नाम है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसी को हम इंग्लिश में कहते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र का सबसे इंपॉर्टेंट काम जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखना है। तो जाहिर सी बात है इसका प्रथम उद्देश्य जो है वो, इसका प्रथम उद्देश्य वही होगा जो उद्देश्य किसका है, जो पूरे यूनाइटेड नेशन का है। इसलिए इसका जो प्राइम फंक्शन होगा वो होगा अंतर्राष्ट्रीय शांति, एवं सुरक्षा को बनाए रखना,
अंतर शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखना इसका पहला ऑब्जेक्ट होगा। तो वैसे तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के तो बहुत सारे काम है, लेकिन इस यूएनएससी का जो कि संयुक्त राष्ट्र का दूसरा अंग है, सेकंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन, उसका पहला ऑब्जेक्ट होगा जो संयुक्त राष्ट्र का ऑब्जेक्ट है और वो है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देना। तो ये पॉइंट आप यहां पर ध्यान रखना। इसका जो है इसका यूएनएससी का वर्णन दिया गया है संयुक्त राष्ट्र का जो चार्टर है उस चार्टर के चैप्टर 5 के अंदर। सुरक्षा परिषद का उल्लेख किस चैप्टर में है? तो 5 में है। और आर्टिकल जो है आर्टिकल 23 से लेकर 33 तक इसका उल्लेख किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने आर्टिकल बताया यहां पर। ये आर्टिकल भारतीय संविधान के नहीं है, ये आर्टिकल किसके होंगे? जो संयुक्त राष्ट्र का संविधान है। और संयुक्त राष्ट्र के संविधान को किस नाम से जानते हैं? तो उत्तर होगा आपका चार्टर के नाम से जानते हैं। उस चार्टर के चैप्टर 5 में आर्टिकल 23 से 33 के बीच में इसका उल्लेख किया गया है। और जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि यूएनएससी का मेन काम दुनिया में सुरक्षा बनाए रखना है, इसलिए इसके बारे में जैसे हमने कहा था महासभा को दुनिया की लघु संसद कहा जाता है, लेकिन सुरक्षा परिषद को कहते हैं दुनिया का या दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। दुनिया का पुलिसमैन किस संस्था को कहा जाता है? तो उत्तर होगा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। और ध्यान रखना संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न कार्यों के इंप्लीमेंटेशन में इसकी बड़ी भूमिका होती है, इसलिए या इसे यूएन की संयुक्त राष्ट्र की एनफोर्समेंट विंग भी कहा जाता है। इसको संयुक्त राष्ट्र की एनफोर्समेंट विंग भी कहा जाता है, यह भी आप यहां पर ध्यान रखें, इसे संयुक्त राष्ट्र की इन्फोर्समेंट विंग भी कहा जाता है। अब हम इसके बाद देखें कि यार यूएनएससी की संरचना क्या है। ध्यान रखना संरचना कहते हैं कंपोजिशन को कि किस प्रकार से बनी हुई है। तो ध्यान रखना अगर हम बात करें इसकी संरचना की तो मूल रूप से अगर मैं बात करूं इसके मूल रूप की, मूल रूप में तो मूल रूप में इसमें ये दो प्रकार के सदस्यों से मिलकर बनी हुई है। एक तो कहते हैं इसके स्थायी सदस्य जिसको हम कहते हैं परमानेंट मेंबर, और प्लस एक होते हैं इसके अस्थायी सदस्य, अस्थायी सदस्य नॉन परमानेंट मेंबर्स। तो ये दो है। अगर मूल रूप की बात करें ये तो होगी इसकी संरचना। इसकी संरचना जो है वो बेसिकली कंपोजिशन जो है ये स्थायी सदस्यों और अस्थायी सदस्यों से मिलकर बनती है। जिस समय इसकी स्थापना हुई उस समय इसमें स्थायी सदस्य 5 थे। और जैसा कि आप लोग जानते हो मूल रूप अर्थात जब यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई 1945 में तो उस समय इसमें सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य संख्या थी 5 और अस्थायी सदस्यों की संख्या थी 6, मतलब टोटल कितने हो गए? 11। टोटल हो गए 11। 1965 में इसमें परिवर्तन किया गया, मतलब इसकी संरचना में कुछ चेंजेस किए गए। और क्या किए गए कि जो स्थायी सदस्य हैं उसकी संख्या तो 5 ही बनी रही, लेकिन जो अस्थायी सदस्य हैं उनकी संख्या 1965 में बढ़ाकर 10 कर दी गई। इसका मतलब आज की तारीख में यूएनएससी में सदस्यों की संख्या जो है वो कितनी है? 15। इसमें संख्या जो है वो 15 है। और ध्यान रखना एक बिंदु, चाहे मैं आगे भूल जाऊं आपको मैं करवाऊंगा कि भारत सुरक्षा परिषद में
इस सुरक्षा परिषद की संरचना में सुधार क्यों चाहता है, या भारत किस प्रकार सुरक्षा परिषद का दावेदार है, या फिर आपसे पहला क्वेश्चन यह पूछे कि आपके दृष्टिकोण से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार क्यों होने चाहिए, इसका उत्तर पूछे तो क्या होगा, इसका उत्तर यह होगा कि संयुक्त राष्ट्र दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक संस्था है, सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन है, और उसका सबसे महत्वपूर्ण पार्ट सुरक्षा परिषद है, जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में अहम भूमिका अदा करता है। परंतु इस दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक संगठन में कई अलोकतांत्रिक विशेषताएं हैं, जैसे इसकी स्थापना के समय इसमें स्थायी सदस्यों की संख्या 5 थी, जबकि उस समय कुल देश 51 थे, मतलब 51 में 5 थे। आज 2020 में लगभग 75 साल बाद इसके सदस्यों की संख्या बढ़कर 193 हो गई है, फिर भी स्थायी सदस्यों की संख्या 5 ही है। ये इसके अलोकतांत्रिक लक्षण की ओर संकेत करता है। अतः इसके बढ़ते आकार को देखते हुए सुरक्षा परिषद का आकार भी बढ़ना चाहिए। तो ये पॉइंट आएगा। और ये जो 5 स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं, तो आप लोग ध्यान रखना, ये 5 स्थायी देश जो है ये है ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, चीन और रूस। ये जो है इसके 5 स्थायी सदस्य हैं। ध्यान रखना, जब स्थापना हुई थी तब भी 5 थे, और आज संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के लगभग 75 साल के बाद भी इसमें ये 5 ही है, जो कहीं ना कहीं अलोकतांत्रिक व्यवस्था की ओर संकेत करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपके सामने रखा। और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है, तो अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखना। अगर किसी देश पर कोई देश आक्रमण कर दे तो उस स्थिति में सुरक्षा परिषद तुरंत एक्टिवेट होती है। तो यहां पर ये चीजें हमने पढ़ी। अब हम कुछ चीजें और देखना चाहेंगे, उसमें से एक ये है कि मैंने कहा कि 5 स्थायी मेंबर कौन से हैं। तो 5 स्थायी सदस्य जो है वह है ब्रिटेन, यूएसए, फ्रांस, चीन और रूस। ये आपके 5 स्थायी हैं। तो फिर अस्थायी सदस्य कौन से हैं? तो अस्थायी 10 हैं। ये 10 सदस्य जो है इनका चुनाव संयुक्त राष्ट्र महासभा करती है। ये 5 स्थायी है, अब इनका चुनाव नहीं होता, ये एक बार बन गए तभी कहा जाता है कि दुनिया के 5 थानेदार कौन हैं। तो उत्तर होगा ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, चीन और रूस। और जो 10 अस्थायी है उनका चुनाव जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा की जाती है। लेकिन ऐसा प्रयास किया जाता है, एक बार आप इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको समझ में आए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि ये आपको पूरा एकदम बढ़िया से समझ में आ जाए। तो हाँ, आप देखिए अब इसके आगे हम बढ़ें। तो जो 10 अस्थायी सदस्य हैं, उन 10 अस्थायी में आप लोग ध्यान रखना कि जो 10 अस्थायी हैं, उन 10 अस्थायी में ये कोशिश की गई है कि उसमें से 5 जो है एशिया अफ्रीका से हो, 5 एशिया अफ्रीका से हो, 2 जो है वो बेसिकली लैटिन अमेरिका से हो, 2 लैटिन अमेरिका से हो, 2 बेसिकली पूर्वी यूरोप से हो, 2 पूर्वी यूरोप से हो, 2 सॉरी 1 पूर्वी यूरोप से हो, 1 पूर्वी यूरोप से हो और 2 पश्चिमी यूरोप और अन्य जगह से हो, 2 पश्चिमी यूरोप और अन्य, मतलब जैसे ऑस्ट्रेलिया वगैरह भी हो सकता है, 2 अन्य जगह से हो। तो कितने हो गए, 2 और 1 3 2 5 5 10। मतलब ये प्रयास किया गया है कि जो 10 अस्थायी सदस्य चुने जाएंगे उन 10 में से 5 को एशिया और अफ्रीका महाद्वीप के देशों में से, 2 हो लैटिन अमेरिका से, 1 हो पूर्वी यूरोप से और 1 हो पश्चिमी यूरोप और अन्य से। आपके दिमाग में चीज जरूर आएगी, सर लैटिन अमेरिका किसे कहते हैं? तो आप लोग ध्यान रखना, लैटिन अमेरिका जो है, लैटिन अमेरिका किसे कहते हैं, तो थोड़ा सा आप समझ लो, लैटिन अमेरिका कोई ज्योग्राफिकल वर्ड नहीं है,
ये पॉलिटिकल वर्ड है, जैसे हिमालय देश, हिमालय देश ये हो गया ज्योग्राफिकल, और एक हो गया आपका हिंदी भाषी क्षेत्र, हिंदी भाषी क्षेत्र पॉलिटिकल है, ये ज्योग्राफिकल नहीं होगा। तो यहां पर ध्यान रखना, ये जो नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका और इसके नीचे ये साउथ अमेरिका, तो आप लोग ध्यान रखना यहां पर आ गया ये कैनेडा, ये यूएसए और ये मेक्सिको। तो यूएसए से नीचे मतलब मेक्सिको से लेकर, मेक्सिको से लेकर पूरा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप और यहां पर जो कैरिबियन देश हैं, ये सब एक साथ मिलकर कहलाते हैं लैटिन अमेरिका। और लैटिन क्या है तो आप लोग ध्यान रखेंगे, लैटिन बेसिकली, लैटिन बेसिकली यूनानी भाषा को कहते हैं, जिसने कई अन्य भाषाओं को जन्म दिया, जैसे पुर्तगाली, स्पेनिश आदि। जब पुर्तगाली, स्पेनिश भाषा बोलने वाले लोग उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के जिन क्षेत्रों में जाकर बस गए, उस क्षेत्र को आज भी लैटिन अमेरिका कहा जाता है। इसलिए लैटिन अमेरिका एक उसको होगा मेक्सिको प्लस मध्य अमेरिका प्लस दक्षिण अमेरिका प्लस कैरिबियन द्वीप, इन देशों को क्या कहते हैं, लैटिन अमेरिका। तो आगे हम बढ़े, ये मैंने जस्ट एक जानकारी आपको दी, थोड़ा सा पीछे से हट कर लिया। अब हम आगे बढ़े, कुछ पॉइंट्स रिपीट कर लेते हैं। दुनिया का पुलिसमैन या यूएन की इन्फोर्समेंट विंग किसे कहते हैं, तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को। अगर हम कहें यूएनएससी की संरचना क्या है, तो मूल रूप से इसमें 11 मेंबर थे, 5+6, परंतु 1965 में इसके अस्थायी सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी की गई और ये कर दी गई 5+10=15। अब जो 10 है उसमें से 5 एशिया अफ्रीका से, 2 लैटिन अमेरिका से, 1 पूर्वी यूरोप से और 2 पश्चिमी यूरोप और अन्य से होंगे। तो यहां पर ये आपका होगा यूएनएससी, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। इसमें एक पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा और वो है कि जो मैंने आपको कहा यूएनएससी, जिसको हम कहते हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, उस यूएनएससी में कुल मेंबर जो है वो बेसिकली 5+10, मतलब 5 स्थायी और 10 अस्थायी, टोटल हो गए 15। ये जो 5 स्थायी सदस्य हैं, ये 5 स्थायी सदस्य हैं और ये 10 अस्थायी सदस्य हैं, ये 10 अस्थायी सदस्य। अब यहां पर एक चीज देखिए आप कि यूएनएससी में जो महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं, महत्वपूर्ण निर्णय, उस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए 15 में से 9 सदस्यों का होना जरूरी है। मतलब अगर कोई भी डिसीजन लेना हो और वो इंपॉर्टेंट डिसीजन, हालांकि इंपॉर्टेंट डिसीजन और प्रक्रिया संबंधी निर्णय को यूनाइटेड नेशन के चार्टर में अलग अलग करके नहीं समझाया गया है, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। सिर्फ आप यहां पर ध्यान रखना कि जब संयुक्त राष्ट्र में कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय सुरक्षा परिषद में लिया जाए तो उसको पास होने के लिए कितने वोट की आवश्यकता होगी, तो टोटल वोट जो है वो यूएनएससी में 15 है और 15 में से 9 देश जिस साइड में होंगे वो पास हो जाएगा। पहला, अब इस जाहिर सी बात है कि जो 9 है उसमें स्थायी भी होंगे और उसमें अस्थायी भी होंगे, अस्थायी भी होंगे, परमानेंट और नॉन परमानेंट। यहां पर यह कहा गया है कि महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए इन 5 का होना अनिवार्य है, इन 5 का होना अनिवार्य है। अगर कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया जाता है तो उस इंपॉर्टेंट डिसीजन में, क्योंकि आप देखिए कि 10 अस्थायी है तो 10 में से अगर वो 9 हो गए एक साइड में तो भी निर्णय लिया जाएगा, लेकिन नहीं, कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय यूएनएससी में तब पास होगा जब 15 में से 9 वोट आए और उस 9 में से इन 5 स्थायी सदस्यों का होना जरूरी है। यदि इन 5 में से कोई भी एक देश या 2 देश, कोई भी देश उस महत्वपूर्ण निर्णय के प्रपोजल के खिलाफ वोटिंग करे, खिलाफ
वोटिंग करे, खिलाफ वोटिंग करे, तो इसको हम कहते हैं वीटो पावर, इसी को हम कहते हैं वीटो पावर। तो आप लोग ये निश्चित अधिकार क्या है, आपसे पूछे कि यूएनएससी में वीटो पावर से आप क्या समझते हैं, यूएनएससी में वीटो पावर से आप क्या समझते हैं, उसका उत्तर होगा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य हैं, यहां पर महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए 15 में से 9 का होना जरूरी है, परंतु उन 9 में 5 स्थायी, 5 ही है और 5ों का होना अनिवार्य है, तब भी निर्णय पास होगा, परंतु यदि लाए गए प्रस्ताव के खिलाफ कोई स्थायी देश वोटिंग करता है तो उसकी वोटिंग को वीटो पावर कहा जाता है, और वीटो पावर यूज करने पर यदि 15 में से 10 भी हो जाए और स्थायी में से कोई एक उसके खिलाफ है तो प्रस्ताव पास नहीं होगा, इसी को कहते हैं वीटो पावर ऑफ यूएनएससी। तो आपसे पूछे कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वीटो पावर की शक्ति क्या है, वीटो पावर का मतलब होगा कि 15 में से 9 का होना जरूरी है, उन 9 में से 5 स्थायी सदस्यों का होना जरूरी है, यदि उन 5 में से कोई एक या दो उस प्रपोजल के खिलाफ जाते हैं तो इस स्थिति में फिर वो प्रपोजल पास नहीं होगा और इस शक्ति के प्रयोग को उस स्थायी देश की वीटो पावर कहा जाता है। अभी तक संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के बाद सबसे अधिक अगर वीटो पावर यूज किया गया है तो वीटो पावर यूज किया है सोवियत संघ, और जो बाद में उसका उत्तराधिकारी देश बना रसिया ने। तो आपसे पूछे किसने किया, उत्तर होगा रसिया ने, आज की तारीख में रसिया है। दूसरा नंबर पे कौन है, अमेरिका, और अमेरिका ने अपने अधिकतम बार जो वीटो पावर का यूज किया है वो किस संदर्भ में किया, तो जब जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इजराइल के खिलाफ कोई प्रपोजल आया तो वहां पर अमेरिका ने वीटो पावर यूज करके उस प्रपोजल को पास नहीं होने दिया, मतलब अमेरिका ने अपने वीटो पावर का यूज अधिकतम बार किसके लिए किया, उत्तर होगा इजराइल के लिए। तो ये पॉइंट्स आप यहां पर ध्यान रखना, मैंने आपको समझाने का एक प्रयास यहां पर किया है। अब उसके बाद थोड़ा सा हमें यह देखना जरूरी है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है, यूएनएससी जो है, उस यूएनएससी अर्थात सुरक्षा परिषद में उसकी शक्तियां क्या है या उसके कार्य क्या है, फंक्शंस क्या है। तो आप इसको शक्ति भी कह सकते हो, शक्तियां या कार्य, ये क्या है इसको हम थोड़ा सा देखते हैं। तो इसको मैं बोलूंगा, लिखूंगा, लिखने में केवल पॉइंट बनाऊंगा। नंबर वन, संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों और उद्देश्यों के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों एवं उद्देश्यों के अनुसार अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखना। तो पहला शक्ति होगी अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखना, ये पहला वर्क होगा किसका, यूएनएससी का। वापस में रिपीट कर रहा हूं, संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों एवं उद्देश्यों के अनुसार, क्योंकि सिद्धांत और उद्देश्य में सबसे प्रायोरिटी जो दी गई है वो दी गई है अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को। तो संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों और उद्देश्यों के अनुसार पूरे विश्व में अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखना, इसका पहला काम है, नंबर एक। नंबर दो, ऐसे किसी भी विवाद अथवा स्थिति की जांच करना, अथवा स्थिति की जांच करना ऐसे किसी विवाद अथवा स्थिति की जांच करना जिससे अंतरराष्ट्रीय शांति को खतरा हो। वापस में रिपीट कर रहा हूं, ऐसे किसी भी विवाद अथवा
स्थिति की जांच करना जिससे अंतरराष्ट्रीय शांति को खतरा हो। जैसे मान लीजिए COVID-19 को लेकर यह आरोप लग रहा है, एलिगेशन लग रहा है कि चीन ने ऐसा किया होगा, तो इस क्रम में दुनिया में शांति और सुरक्षा बनाए जाने की जिम्मेदारी यूनाइटेड नेशन के पास में है और यूएन में जिम्मेदारी यूएनएससी के पास में है। तो ऐसे किसी विवाद की जांच करना, जैसे ईरान और अमेरिका के बीच चल रहा है मुद्दा, तो उसमें ईरान के संदर्भ में जांच करना, या उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच चल रहा है, लेकिन यहां पर इस बिंदु का सबसे कमजोर बिंदु क्या है, ये सबसे प्लस पॉइंट है, लेकिन कमजोर बिंदु क्या है कि जब भी ऐसा प्रपोजल लाया जाता है तो उस प्रपोजल के खिलाफ वीटो पावर यूज करके उसको फेल कर दिया जाता है। जैसे अगर चीन यूएनएससी में ईरान के खिलाफ लगाए जा रहे बैन को लेकर आता है तो वहां अमेरिका वीटो पावर यूज कर लेगा, और उत्तरी कोरिया के खिलाफ कोई कार्रवाई करनी हो यूएन को तो वहां पर चीन वीटो पावर का यूज कर लेगा। तो ऐसी स्थिति में तो कभी शांति बन नहीं पाएगी, यही कारण है ये कमजोर बिंदु है। इसलिए कहा जा रहा है कि यूएनएससी में स्थायी सदस्यों की संख्या को बढ़ाया जाना चाहिए और कुछ रिफॉर्म्स करने चाहिए ताकि ये संगठन और बेहतर तरीके से स्थापित हो सके। दूसरा, तीसरा दुर्घटना, किसी आक्रमणकारी देश के खिलाफ कार्रवाई करना, किसी आक्रमणकारी देश के खिलाफ कार्रवाई करना। ये ऐसा हुआ भी है, जैसे मान लीजिए ये शक सुबह था कि इराक ने कुवैत पर हमला किया, और जब इराक ने कुवैत पर हमला किया तो उस स्थिति में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद तैयार थी कुवैत को बचाने के लिए, तो ये भी एक मुद्दा होगा। उसके बाद में एक आपको पता होगा कि सुरक्षा परिषद जो है, जो मैंने आपको पहले ही बात बता दी थी कि जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है उसके जजों का चुनाव, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जजों का चुनाव, मैंने रिपीट कर दिया है, महासभा करती है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जजों का चुनाव संयुक्त राष्ट्र महासभा करती है। तो आप कहेंगे सर वहां तो बता दिया था आपने अभी दो मिनट पहले, यस मैंने बता दिया था, संयुक्त राष्ट्र महासभा ही अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जजों का चुनाव करती है। परंतु किन जजों का नाम निर्वाचित किया जाएगा यह सिफारिश सुरक्षा परिषद करती है, मतलब सुरक्षा परिषद उन्हीं नामों पर मोहर लगाती है, सॉरी महासभा उन्हीं नामों पर मोहर लगाती है जो सुरक्षा परिषद द्वारा सिफारिश किए गए हो। एक पॉइंट और ध्यान रखना, और वो होगा पांचवा बिंदु, कि महासचिव का मैंने बता दिया है आपको, वापस समझा देता हूं कि संयुक्त राष्ट्र के जो महासचिव है, जनरल सेक्रेटरी है, इसका चुनाव जो है, महासभा का चुनाव भी महासभा करती है। कौन? संयुक्त राष्ट्र महासभा। लेकिन महासभा केवल उन लोगों में से ही चुनाव करती है जिनके नाम किसने भेजे हो, सुरक्षा परिषद ने। तो बहुत मतलब इंपॉर्टेंट हो गया, इसका मतलब बनेगा वही जिसको सुरक्षा परिषद चाहेगी, और सुरक्षा परिषद में उन पांच स्थायी सदस्यों का होना जरूरी है। इसलिए आपको पता होगा जो महासचिव बनता है वो इन पांच स्थायी देशों से नहीं बनता है, ताकि विवाद पैदा ना हो। तो ये मैं आपको समझाऊंगा, आगे चलें। और उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट जो आपका होगा वो होगा आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, इसको हम कहेंगे इकोसॉक। एक चुनाव और आएगा आपके पास, वो होगी आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। जो आर्थिक एवं सामाजिक परिषद है उसी को कहते हैं इकोसॉक, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल कहते हैं इसको, इकोसॉक कहते हैं, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद कहते हैं। अब जो आर्थिक एवं सामाजिक परिषद है इसका हेडक्वार्टर भी न्यूयॉर्क में है, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। अब सबसे पहले हम इसका उद्देश्य देखें कि यूनाइटेड नेशन की जो एक इंपॉर्टेंट अंग है
आर्थिक एवं सामाजिक परिषद इकोसॉक, इसका मेन काम क्या है? तो ध्यान रखना, इसका मेन काम है अंतरराष्ट्रीय आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के संबंध में क्या होगा इसका उद्देश्य, अंतरराष्ट्रीय, इसका उद्देश्य होगा अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सामाजिक, और ध्यान रखना आजकल एक पॉइंट और जोड़ा जा रहा है, पर्यावरणीय, क्योंकि अर्थव्यवस्था पर्यावरण के अनुकूल होनी चाहिए, तो ऐसा प्रयास किया जा रहा है कि पर्यावरण को इसके साथ जोड़ा जाए। तो अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सामाजिक एवं पर्यावरणीय मामलों के संबंध में सेंट्रल प्लेटफॉर्म के रूप में काम करना, केंद्रीय प्लेटफॉर्म के रूप में काम करना, मतलब जब भी आर्थिक सामाजिक मुद्दा होगा या पर्यावरणीय मुद्दा होगा तो उस संबंध में एक केंद्रीय मंच के रूप में काम करने का दायित्व जो है वो किसको दिया गया है, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद को। अब इसकी संरचना को ट्रेस करें कि इसमें कितने मेंबर थे, तो आप लोग ध्यान रखना मूल, मतलब जब यूनाइटेड नेशन बना था, जब संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी, तो उस स्थापना के समय इसमें मूल रूप से जो देश थे वो 18 थे। कितने थे? 18। और वर्तमान संख्या की बात करें तो वर्तमान संख्या में इसमें मेंबर है 54। वर्तमान में कितने देश है? 54 देश है। मूल रूप से कितने थे? 54। वर्तमान कितने? 54। और ध्यान रखना इन 54 में से ध्यान रखना आर्थिक एवं सामाजिक परिषद एक स्थायी अंग है, लेकिन इसके इसके प्रत्येक वर्ष 18 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं, मतलब 18 सदस्यों का कार्यकाल हर साल पूरा हो जाता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल जो है वो कितना है, तो तब होगा 3 वर्ष, कार्यकाल 3 वर्ष है, इसलिए प्रतिवर्ष 1/3 कितने होंगे 54 का, तो 18, 1/3 सेवानिवृत्त हो जाते हैं और उसके स्थान पे 18 नए चुन लिए जाते हैं। वापस रिपीट कर रहा हूं, इस 18 में कोई संबंध नहीं, ध्यान रखना मूल रूप से इसकी संख्या 18 थी, तब प्रतिवर्ष 6 नए चुने जाते थे और 6 रिटायर होते थे। तो पहले बार वाले में लॉटरी सिस्टम किया हो गया, उसके बाद में चलता रहेगा, बाद में इसकी संख्या 18 से बढ़कर कितनी कर दी गई, 54। अब 54 के तीन पार्ट करें तो 18 18 18, अब 18 18 18, तो प्रति वर्ष 1/3 मतलब 18 रिटायर हो जाते हैं और उनके स्थान पे 18 नए चुने जाते हैं। ये नए किसके द्वारा चुने जाते हैं, तो उत्तर होगा संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा, जो संयुक्त राष्ट्र का सबसे बड़ा अंग है। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखना, और इसकी बैठक साल में दो बार होती है, एक बार अप्रैल में इसकी जो बैठक होती है वो बेसिकली न्यूयॉर्क में होती है, और एक बैठक इसकी जुलाई में होती है, और जुलाई में जो बैठक है वो जिनेवा में होती है, तो ये आपका था आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इसको आपने देखने का प्रयास किया। मैं रिपीटेशन आपको रहता हूं, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, इसका पूरा नाम होगा संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, लेकिन इसको शॉर्ट फॉर्म में इकोसॉक कहा जाता है। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। इसका मुख्य उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय आर्थिक मामले, सामाजिक मामले और पर्यावरणीय मामलों के संबंध में एक सेंट्रल प्लेटफॉर्म के रूप में पूरी दुनिया में काम करना। इसमें मूल रूप से इसकी संरचना में सदस्य संख्या 18 थी, बाद में इसको बढ़ा के 54 कर दिया गया। इसके सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष होता है, इसलिए प्रति वर्ष 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं और उनके स्थान पर 18 नए चुन लिए जाते हैं। ये आपका होगा आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। अब उसके आगे बढ़े और एक पार्ट आपका आएगा न्यासिता परिषद, इसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रस्टीशिप काउंसिल।
इसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रस्टीशिप काउंसिल। ध्यान रखना आपसे ये कहे कि वर्तमान में यूएन का वह कौन सा अंग है जो सक्रिय नहीं है या लगभग सस्पेंड के टाइप्स है। यूएन का अंग ये सक्रिय नहीं है, यूएन का अंग जो सक्रिय नहीं है वो है आपका न्यासिता परिषद ट्रस्टीशिप काउंसिल, लेकिन है ये अभिन्न अंग, संयुक्त राष्ट्र का अभिन्न अंग है लेकिन सक्रिय नहीं। दूसरा पॉइंट जो है, इसकी स्थापना किस व्यवस्था के तहत की गई थी, किस व्यवस्था के तहत की गई, इसकी स्थापना किस व्यवस्था के तहत की गई, तो आपका उत्तर होगा इसकी स्थापना राष्ट्र संघ जो था, जो मैंने आपको कल समझाया था कि 1920 में संयुक्त राष्ट्र से पहले जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन बना था उसका नाम था राष्ट्र संघ, लीग ऑफ नेशन। उसमें लीग ऑफ नेशन में एक व्यवस्था थी राष्ट्र संघ की मैंडेट व्यवस्था। उस मैंडेट व्यवस्था के तरह ही एक नया कॉन्सेप्ट लाया गया, वो था न्यासिता परिषद। अब मैंडेट व्यवस्था क्या थी इसकी, किसकी, लीग ऑफ नेशन की, राष्ट्र संघ की, जो 1920 में बना था। उसमें ये था कि मान लो कोई भी ऐसा देश, जैसे सपोज कीजिए ये ब्रिटेन है, ये ब्रिटेन है और ब्रिटेन का एक उपनिवेश भारत है, और ब्रिटेन का एक उपनिवेश मान लीजिए फिजी है या मान लीजिए फिलिस्तीन है, ब्रिटेन का एक उपनिवेश फिलिस्तीन है, तो अगर भारत आजाद होता है तो भारत के पास इतनी व्यवस्था है, इतनी पॉलिटिकल पावर है, इतनी प्रशासनिक शक्ति है भारत के अंदर कि वो अपना स्वतंत्रता पूर्वक काम अपनी आजादी के बाद चला सकता है। यही कारण है कि भारत जो है वो न्यासिता परिषद के पास नहीं गया। लेकिन कोई भी ऐसा छोटा सा देश जिसको आजाद करने के बाद वो इस स्थिति में नहीं है कि वो अपनी शासन व्यवस्था खुद चला सके, इसलिए जब तक वो अपनी शासन व्यवस्था खुद नहीं चलाता तब तक वो रहेगा तो स्वतंत्र ही, लेकिन उसकी जिम्मेदारी यूनाइटेड नेशन के किस अंग को दे दी जाती है, न्यासिता परिषद को। और जैसे ही वह देश खुद सक्षम हो जाएगा अपना शासन व्यवस्था में चलाने में, उसको फिर न्यासिता परिषद से फ्री कर दिया जाएगा। ऐसा अंतिम देश जो है वो बेसिकली था पलाऊ, और पलाऊ 1994 में न्यासिता परिषद से अलग घोषित कर दिया गया या स्वतंत्र घोषित कर दिया गया। इसलिए पलाऊ के निकलने के बाद वर्तमान में न्यासिता परिषद ट्रस्टीशिप काउंसिल के पास एक भी देश ऐसा नहीं है, इसलिए कहते हैं कि ये यूएन का अंग है परंतु सक्रिय नहीं है। सक्रिय का मतलब क्या हुआ यहां पर, सक्रिय का मतलब इसके पास कोई जिम्मेदारी नहीं है, और जिम्मेदारी कब आएगी, जब कोई ऐसा दुनिया का देश जो स्वतंत्र हो गया हो लेकिन उसको अपनी शासन चलाने के लिए या तो उसके पास खूबियां नहीं है या उसके पास व्यवस्था नहीं है या आर्थिक रूप से कमजोर है या वहां के लोग अभी सक्षम नहीं है, तब तक उसकी जिम्मेदारी किसको दे दी जाती है, न्यासिता परिषद को दे दी जाती है। तो इसको हम कहते हैं ट्रस्टीशिप काउंसिल। वर्तमान में पलाऊ के बाद पलाऊ अंतिम देश था जो न्यासिता परिषद के पास में था। फिर हम आगे बढ़े, तो आप इसके बाद ध्यान रखना अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, इसके बाद जो है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, इसको इंग्लिश में कहते हैं आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट फॉर जस्टिस। और मुझे मौका मिला तो मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा किसमें, आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट और आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट फॉर जस्टिस। ध्यान रखना आईसीजे संयुक्त राष्ट्र का अभिन्न अंग है, ये आईसीजे जो है ये बेसिकली संयुक्त राष्ट्र का अभिन्न अंग है।
ये संयुक्त राष्ट्र का अभिन्न अंग कौन? आईसीजे। और आईसीजे कहां पर है? तो आईसीजे जो है ये बेसिकली द हेग में है, द हेग में है। और द हेग कहां पर है? तो द हेग हॉलैंड या नीदरलैंड के अंदर है। द हेग जो है हॉलैंड और नीदरलैंड के अंदर है आईसीजे। और आईसीजे जो है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय जो है, इसकी स्थापना 3 अप्रैल 1946 को की गई थी। तो आपसे पूछे 3 अप्रैल 1946 को संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अधीन इसकी जो संहिता है वो अलग है। इसमें न्यायाधीशों की संख्या जो है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में जो न्यायाधीश है उन न्यायाधीशों की संख्या इसमें टोटल कितनी की गई है? तो उत्तर होगा 15। इसमें न्यायाधीशों की संख्या टोटल 15 है, 15 है। और इन 15 का कार्यकाल कितना होगा? तो इन 15 का कार्यकाल है 9 वर्ष। कार्यकाल कितना है? 9 वर्ष। इसका कार्यकाल 9 वर्ष है। लेकिन इन 15 में से 1/3 सदस्य जो है, 1/3 सदस्य मतलब न्यायाधीशों की कुल संख्या का 1/3 मेंबर जो है वो प्रत्येक तीन वर्ष के बाद रिटायर हो जाते हैं। वापस रिपीट कर रहा हूं, न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? 15। और उनका कार्यकाल कितना होगा? तो 9 वर्ष। उसमें से 1/3 मतलब 15 का 1/3 कितना होगा? 5। 5 सदस्य, 5 जज जो है प्रत्येक 3 वर्ष के बाद रिटायर हो जाएंगे और उनके स्थान पे 5 नए आ जाएंगे। उन नए का चुनाव कौन करेगी? उत्तर होगा संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखना। और यहां पे एक क्वेश्चन ये भी ध्यान रखना, कोई भी 2 न्यायाधीश एक देश से नहीं हो सकते, कोई भी 2 न्यायाधीश एट ए टाइम एक देश से नहीं हो सकते। और आईसीजे ने हाल ही में जुलाई 2019 के अंदर कुलभूषण जाधव की फांसी पर रोक लगाई है। कुलभूषण जाधव जो पाकिस्तानी जेल में बंद है उनकी फांसी पर रोक लगाई है, इसलिए ये अभी चर्चा में चल रहा था। यहां पर एक क्वेश्चन आप लोग और ध्यान रखना, मैं आपको नहीं बताऊंगा और प्रश्न आपके सामने है कि वर्तमान में कौन से भारतीय जज, और मैं हिंट दे देता हूं वो जोधपुर से, कौन से भारतीय जज वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में है? पहला क्वेश्चन तो ये, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कौन है। और दूसरा, अब तक कितने जज भारत से अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में रह चुके हैं? सिर्फ मैंने संयुक्त राष्ट्र में 2 ही क्वेश्चन पूछे अभी तक, ये 2 मैं आपसे जवाब चाहूंगा और दोनों भारत से संबंधित हैं। अगर आप नहीं बता पाए तो मैं कमेंट बॉक्स में खुद लिख दूंगा जहां पर आप आंसर डाल रहे हो। वापस रिपीट कर रहा हूं, अभी तक कितने हुए हैं और वर्तमान में कौन है, इसका उत्तर आप दोगे। उसके बाद हम आगे बढ़े, तो नेक्स्ट पॉइंट जो आपके पास में होगा वो होगा सचिवालय। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो होगा सेक्रेटरीट। सचिवालय जो है, सेक्रेटरीट जो है, ये संयुक्त राष्ट्र का सबसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक निकाय माना जाता है। मतलब संयुक्त राष्ट्र की यूएन की जो दिन प्रतिदिन के कार्य है, दिन प्रतिदिन के कार्यों को करने में सचिवालय की सबसे अहम भूमिका होती है, सेक्रेटरीट की सबसे अहम भूमिका होती है। इस क्रम में इस सचिवालय का सबसे महत्वपूर्ण जो प्रशासनिक अधिकारी है, उस प्रशासनिक अधिकारी को कहते हैं महासचिव।
उसी को कहते हैं महासचिव जनरल सेक्रेटरी, और ये पूरी दुनिया में सबसे बड़ी पोस्ट मानी जाती है, और ये संयुक्त राष्ट्र का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी है जिसको हम कहते हैं महासचिव। और मैंने बता दिया है कि महासचिव का चुनाव संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अनुशंसा पर, रिकमेंडेशन पर, संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा किया जाता है। सामान्यतः इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है, और सचिवालय संयुक्त राष्ट्र का वह अंग है जो बाकी अंगों के साथ, एक तो ये दिन प्रतिदिन के कार्यों को करने में अहम भूमिका, तो हो गया सबसे इंपॉर्टेंट प्रशासनिक निकाय, और साथ ही साथ विभिन्न अंगों के बीच में, विभिन्न अंगों के मध्य समन्वय स्थापित करने में, समन्वय कहते हैं इंग्लिश में कोऑर्डिनेशन, विभिन्न अंगों के मध्य समन्वय स्थापित करने में इसकी सबसे अहम भूमिका होती है। तो ये पॉइंट भी आप यहां पर ध्यान रखेंगे। तो अब और सामान्यतः इसका कार्यकाल जो महासचिव है उसका जनरली कार्यकाल जो है वो कितना है, तो उत्तर होगा 5 वर्ष होता है। अब यहां पर एक क्वेश्चन आपका संयुक्त राष्ट्र महासचिव से भी बन सकता है, संयुक्त राष्ट्र महासचिव से भी एक क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो देखो आप, संयुक्त राष्ट्र महासचिव जिसको हम कहते हैं जनरल सेक्रेटरी महासचिव, संयुक्त राष्ट्र जो यूएन महासचिव है इसके बारे में चुनाव कैसे होगा ये मैंने समझा दिया है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अनुशंसा पर इसका चुनाव महासभा के द्वारा किया जाता है। लेकिन इसके अतिरिक्त अगर आपसे पूछे कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव के कार्य क्या है, तो नंबर 1 ये यूएन का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होता है, ये यूएन का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होता है, संयुक्त राष्ट्र का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होता है, नंबर 1। नंबर 2 ये जो है महासभा या फिर सुरक्षा परिषद या इकोसॉक, यहां पर यदि इसकी आवश्यकता हो तो वह इनकी बैठकों में भाग ले सकता है, एक तीसरा ध्यान रखना, सचिवालय के प्रशासन पर इसका पूर्ण नियंत्रण होता है, सचिवालय के प्रशासन पर इसका पूर्ण नियंत्रण होता है, और वह राजनीतिक कार्य के रूप में किसी मामले पर सुरक्षा परिषद का ध्यान दिला सकता है। मतलब अगर कोई भी ऐसा राजनीतिक कार्य है जिससे दुनिया में शांति स्थापित हो सकती है, तो राजनीतिक कार्यों के रूप में सुरक्षा परिषद को यह ध्यान दिला सकता है कि यहां पर आप कार्रवाई कीजिए ताकि सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ हो सके, दिला सकता है। और एक ध्यान रखना, वह विश्व लोकमत को भी संबोधित कर सकता है, और विश्व जनमत के समक्ष उसकी भूमिका जो है एक अंतरराष्ट्रीय शांति दूत के रूप में होती है। वह दुनिया में जहां पर भी जाता है तो किस रूप में जाएगा, वो इंटरनेशनल पीस एम्बेसडर के रूप में, अंतरराष्ट्रीय शांति दूत के रूप में भी उसकी भूमिका होती है। उसके द्वारा की गई बातें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बाध्यकारी तो नहीं होती है, लेकिन नैतिक दबाव डालती है कि ऐसा किया जाना चाहिए। अब एक क्वेश्चन और आपका, और वो है कि वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे आपसे, वर्तमान में महासचिव कौन है, अगर ये वाला क्वेश्चन पूछे तो उत्तर होगा एंटोनियो गुटेरस। ये किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, तो ये पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री हैं एंटोनियो गुटेरस। इससे पहले क्या कर रहे थे, तो 2005 से 2015 तक
ये किस ऑफिस में थे? तो होगा ये पिछले 10 वर्ष तक शरणार्थियों के लिए एक संयुक्त राष्ट्र का ही एक जुड़ा हुआ शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त, मतलब ये किस पद पर थे पिछले 10 सालों से? तो उत्तर होगा यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज। यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज के पद पर थे कब से कब तक? 2005 से 2015 तक। और एंटोनी गुटेरेस इससे पहले, मतलब 2005 से पहले क्या थे? पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री थे। और उसके बाद ध्यान रखना 1 जनवरी 2017 से वर्ष 2022 तक ये पांच वर्ष के लिए संयुक्त राष्ट्र के 9वें महासचिव बने हैं। ये संयुक्त राष्ट्र के 9वें महासचिव बने हैं, इसलिए ये लगातार चर्चा में थे। तो ये दोस्तों आज आपका था संयुक्त राष्ट्र। अब कल हम संयुक्त राष्ट्र पे चर्चा नहीं करेंगे, एक आगे टॉपिक लेंगे जिसको काफी में पढ़ाने के बाद में दो टॉपिक पे चर्चा करूंगा। अब तक संयुक्त राष्ट्र की उपलब्धियां क्या रही है, पहला पॉइंट, और दूसरा भारत को सुरक्षा परिषद का दावेदार क्यों बनाया जाना चाहिए, या भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सदस्यता क्यों मिलनी चाहिए, इस पर मैं करंट और टॉपिक के साथ में फिर आपसे मिलूंगा कुछ समय बाद। कल हम किसी नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।